फिर 10 मिनट में समझा दिया सर। सो आई एम नॉट गोइंग शेयर एनी थॉट और एनी आइडिया, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आई कंडक्टेड बिकॉज एक बार मैं प्रोफेसर साहब के साथ में टीएच पे कुछ मीटिंग अटेंड करने गया था। आई थिंक पीपल सिटिंग इन द लास्ट रो दे हैड ऑर्गेनाइज्ड। तो वहां पे सर का आइडिया ये था कि इंडिया में टीचर वर्ड के लिए बहुत पोटेंशियल है, मार्केट है, स्पेशली हिंदी और सॉरी इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड ये थी कि सर ने कहा था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट ग्रास रूट लेवल पे कंडक्ट करो, जिससे ये पता चले कि जो जिनको हम गुड स्टूडेंट मानते हैं और जिनको हम वीक स्टूडेंट मानते हैं, उनके लर्निंग कर्व क्या है और उनके लर्निंग कर्व को कैसे, वो गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है। So I'm going to share about that experiment and some of the findings. So this is just a context. So this is just a brief about teacher board. Focus area ये था कि teaching methods in English language, इसके ऊपर हमें हमारा focus था कि कैसे होगा और learning curve of the student, जैसा बताया मैंने वो करना था, effectiveness of teaching methods. हमने कुछ सैंपल के तौर पर टीचिंग मेथड्स यूज करी और उनके इंडिविजुअल रिजल्ट्स देखे कैसे क्या रहे। और द नेक्स्ट वाज स्कोप ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था क्योंकि अभी तक बहुत मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पूरी क्लास को इकट्ठा देके पढ़ाया जाता था, उसको इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज कैसे किया जा सकता और उसके आउटकम कैसे होंगे वो इसमें आया है निकल के। एंड देन स्कोप ऑफ पर्सनलाइजेशन टीचिंग एंड देन डिजिटल डिस्ट्रक्शन, तो इसको डिजिटल डिस्ट्रक्शन से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी थी वो ये था कि टीचिंग मेथड हमने पहले कुछ आइडेंटिफाई करी और उसके बाद सैंपलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स थी। सो इट वाज नॉट रैंडम सैंपल, देयर वाज रीजनेबल बायस बिकॉज इट वाज अ नैरो सैंपल, स्मॉल सैंपल फ्रॉम ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी फ्रॉम पर्टिकुलर स्कूल। और टीचिंग मेथड्स, टीचिंग अलग अलग मेथड से दो टीचर से कराई गई थी। देन इवेल्युएशन, किसी थर्ड पर्सन से स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन कराया गया सो दैट देयर इज नो बायस इन द इवेल्युएशन। एंड देन एनालिसिस एंड पर्सनलाइजेशन। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन द स्कूल ऑफ एसवीएसएन रायबरेली एंड द टीचर्स वर देयर इन्वॉल्वड इन टू आवर एसएल मिस्टर एसएल भारतीयन एंड देन रुचि सिंह एंड मैडम शोभा देवी। ये टीचिंग मेथड्स हैं, दीज आर द टीचिंग मेथड्स विच आर कंसीडर्ड like text based, video, activity based, verbal, storytelling, pictures and collaborative and replicative. So these are eight teaching method samples were used for this in the classroom. So this is a brief about approach. So we identified socially perceived good or weak students in primary section. The sample size was 30 with 16 students in each category. Students were of the same age group of 8 to 9 years. Two well-trained teachers were used for teaching with given method for each method. Used for teacher was the same for all students. So, मतलब जिसने verbal पढ़ाया वो सारे students को verbal या जिसको repetitive कराया तो same teacher ने कराया, तो there was no differentiation. The student performance was recorded and if anybody is interested in more data analytics etc, Excel sheet is attached, you may like to analyze that from your perspective. Findings ye thi ki integrated learning ka jyada better result hai aur field learning and social engagement se learnability kafi improve hui thi aur technology enabled learning was also giving good result. Then super expert teaching, मतलब अपना सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से आप जितना अच्छा उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और इसमें क्लियर डायरेक्शन जो टीचर्स को दी गई थी वो ये था कि आप सिलेबस तक रिस्ट्रिक्ट मत करिए अपने आप, आप जो टॉपिक बता रहे हैं उसको ब्रॉडली जहां तक आपका नॉलेज खेल के ले जा सकती है और टाइम अलाउ करता है आप बता दीजिए। एंड देन लास्ट अनदर एस्पेक्ट वाज एक्सपीरियंस एक्सप्लेन एंड एक्सचेंज नॉलेज शेयरिंग। सो नॉलेज शेयरिंग विदिन द अमंग चिल्ड्रेन was also encouraged. And then parent-teacher relationship, इसको भी ध्यान में रखा गया था कि किसके parents कितना collaborative है क्या है, लेकिन वो अभी findings में कुछ उसका confusion नहीं निकल पाया, so that is still open point. This is the analysis. So this is percentage-wise distribution, कि response ये
जीरो टू टू एंड थ्री टू फाइव जो क्वेश्चनायर था, जो बच्चों का थर्ड पर्सन से एवेल्युएशन कराया गया, तो उसमें बच्चों ने किसको जीरो से टू के बीच में मार्क्स मिले हैं और किसको थ्री से फाइव के बीच में मार्क्स मिले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है विद रेस्पेक्ट टू द टीचिंग मेथड, और ये फिगर्स जो है वो परसेंटेज में है जी। फ्रीक्वेंसी एंड देन एनालिसिस जो है वो ये है कि जो जो लर्निंग कर्व का गैप की हम लोग बात कर रहे थे वो मिनिमल था एक्टिविटी बेस्ड में। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी वहां पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टूडेंट के बीच का गैप जो था वो बहुत कम था, और इट वॉज क्लोजली फॉलोड बाय वर्बल। नाउ क्वेश्चन वाज दैट कि इन दो के बीच में क्या ये हाइपोथेसिस, क्योंकि सैंपल साइज वाज स्मॉल, सो हाइपोथेसिस वाज दैट वेदर बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव और मे बी वर्बल इज स्लाइटली बेटर देन दिस, मे बी बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज ये गैप थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। बट एनीवे जो डिफरेंस बहुत ज्यादा था वो दो टीचिंग मेथड्स में था, स्टोरी टेलिंग एंड पिक्चर। सो वन ऑफ द रीजन व्हाट आई अंडरस्टैंड मे बी बिकॉज़ आई एम नॉट एकेडमिशियन, बट स्टिल मुझे ये लग रहा है स्टोरी टेलिंग में ये है कि कॉम्प्रिहेंशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, दीज आर द टू कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे की जिनको जो सोशली परसीव वीक चिल्ड्रन है दे वर नॉट एबल टू they were not able to meet that requirement and उसकी वजह से वो ये gap create हो रहा था। Hypothesis जो मैंने बोला कि दोनों के जो activity based और verbal के बीच में कोई effective बहुत major difference है या नहीं, इसको हमने assumption लेके validate करा, उसका statistical analysis किया था, and for that t-test was conducted and then mathematical computing करने के बाद ये देखा गया कि ये hypothesis null hypothesis rejected, and that means अगर मैं उसको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये है कि दोनों मेथड्स में डिफरेंस है और वो मेथड वर्बल इज नॉट दैट इफेक्टिव एज दिस एक्टिविटी बेस्ड मेथड इज। सो स्कोप ऑफ पर्सनलाइजेशन अगर हम टीचर बोर्ड बनाते हैं एंड विद रेस्पेक्ट टू द फाइंडिंग्स ऑफ फ्रॉम दिस डाटा, व्हाट वी कैन से दैट कि उसमें हम कई तरीके से बना सकते हैं अगर उसका पर्सनलाइजेशन करना चाहते हैं, बट अगर हम लर्निंग कर्व को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट शुड कम आई मीन शुड बी एक्टिविटी बेस्ड एंड देन वर्बल। जहां पे गैप बहुत ज्यादा आ रहा है वो कंटेंट हमारा मिनिमल होना चाहिए और ये कॉमन, और बाकी पर्सनलाइजेशन में ये है कि आप फर्स्ट फेज में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट आपके सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से वेदर ही विल फॉल इन कैटेगरी गुड और वीक। तो ये स्कोप ऑफ पर्सनलाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंध रखते हैं, दे अंडरस्टैंड पर्सनलाइजेशन के वेरियस टूल्स आर देयर कैन बी यूज्ड। पर्सनलाइजेशन के जो अदर पैरामीटर्स हो सकते हैं वो ये है कि पर्सनलाइजेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, पर्सनलाइजेशन बेस्ड ऑन सोशल बैकग्राउंड रूरल अर्बन, देयर कैन बी वेरियस सब पैरामीटर्स विद इन दिस। देन पर्सनलाइजेशन कैन बी बेस्ड ऑन एज ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस अगेन इंग्लिश लर्निंग और मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें इंग्लिश लर्निंग के लिए कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी ज्योग्राफी हो सकती है। एंड देन इंटरेस्ट, समबडी इज इंटरेस्टेड यू नो इन कन्वर्सेशन, समबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, सो इंटरेस्ट एरिया एज वेल एज मतलब किसी को इंटरेस्ट मतलब डिफरेंट टाइप की स्टोरी में है, इसमें तो देर आर सब सब पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर पर्सनलाइजेशन। अब आता है पर्सनलाइजेशन में एआई का क्या स्कोप हो सकता है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जब आप टीचर पॉट होगा वो सबसे पहले तो अपने कैंडिडेट के संग में एंगेजमेंट एंगेज करेगा उसको, जहां पे वो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेगा, बेस्ड ऑन दैट पर्सनलाइजेशन विल बी डन, देन पैटर्न जनरेशन विल बी डन, किस तरीके का कंटेंट आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बेसिस पे पैटर्न जनरेट होगा। पैटर्न को यहाँ जो बीच में तीन स्टैक्स हैं यहाँ पे एआई कैन बी यूज्ड, पैटर्न जनरेशन, पैटर्न एनालिसिस एंड कंटेंट रेंडरिंग, क्योंकि कंटेंट एक वो पता नहीं रिपोजिटरी होगी जिसमें से सिलेक्टेड कंटेंट विल बी रेंडर्ड टू द इंडिविजुअल्स एज पर देयर नीड, एंड देन देयर विल बी कॉमन इवेल्युएशन इंजन जिसके बेसिस पे कुछ आप स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट के उसका क्या परफॉर्मेंस रहा दैट कैन बी मेजर्ड, एंड देन फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन लेटर ऑन। एंड way forward, if somebody is looking for making a teacher bot, so way forward is go for a solution architecture with
multimedia teacher mode, digital and content management system, voice to text converter or vice versa, pattern analysis system, personalization tool and evaluation system. So these will be the component of this teacher mode. So this is just brief of this experiment, and with this I can conclude. If you have any question regarding this experiment, please ask me. Thank you.